लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों के मेहनत पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं उनके मातहत। फुटपाथ पर अधेड़ पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाकर किया एक अधेड़ को घायल। पुलिस ने फुटपाथ पर लेटे अधेड़ को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। आपको बता दें कि सड़क पर तड़पते अधेड़ को देख पावर विंग एनजीओ की सुमन रावत ने अधेड़ की मदद की, जबकि फुटपाथ पर पुलिस ने बुजुर्ग पर लाठियां बरसाकर उसे घायल कर दिया है। घायल बुजुर्ग का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि गोसाईगंज थाना क्षेत्र का मामला है कि पुलिस ने फुटपाथ पर लेटे अधेड़ को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया है। यह पूरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र का है कि एक पुलिस वाले ने फुटपाथ पर लेटे अधेड़ को पीट पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया है। बताइए आप आइए, गोसाईगंज से आ रहे हैं आप आइए, हम वेट कर लेंगे आपका। 3 बजे क्या हुआ? दारू पी रहे हो? हाँ। हाँ। कौन कौन किसने बोला? वही पुलिस वाले ने। हाँ, दारू पी रहे हो जहाँ? दारू अंदर पीना चाहिए, बुलाई खा ले। अच्छा, दूसरे लोग आप वहाँ ऐसे लेटे हुए थे? वो यार है उससे। हाँ, जो पी रहा हम लोग पकड़े रही। तो ये लगातार इतनी ज्यादा ये ब्लीडिंग हो रही है, फिर उसके बाद फिर खुद ही चला गया आपको छोड़ करके? मारी सिक्के बाद घर है तो वहाँ। हाँ, घर से मुलहम ला भाई माँ। हाँ, लम्बे टेक कर। हाँ, बस इमाम मुलहम धरी तो और बांधी पट्टी लाल वाली, फिर वहीं छोड़ दिया आपको? छोड़ दिया, चल नहीं पा, उठ नहीं पा। खिड़िया वाला एक बार है। हाँ, बगल में सरिया लेके। हाँ, तो इसे कर दिया हमको माफिया ना। तो ठेलिया वाले ने, किसी गरीब ने छोड़ा है आपको? हाँ। और पुलिस वाले ने आपको इस तरीके से मारा है, और ये ब्लीडिंग देख लीजिए आप इनकी, यहाँ से लेके हट जाइए भैया। आप लोग उसके ऊपर खा लिए, अब आप तब वो कर रहे हो, पहले तो आप आए नहीं यहाँ पे किसी की हेल्प करने के लिए। ये है, और ये 3 बजे से पड़ा हुआ है, पुलिस का एक अमानवीय चेहरा। अब इसको क्या कहेंगे हम लोग, आप ये देखिए। और इसको ठिलिया वाले वहाँ पे छोड़ दिया उसने, इसको डंडा मार के, कि सड़क पे कोई नहीं लेटेगा, खड़ा नहीं होगा, और उसको भगाते हुए यहाँ से। और फ्रैक्चर पूरा इसका पैर का, ये हालत आप ये देख लीजिए, कंटिन्यूसली अभी ब्लीडिंग हो रही है। और अभी एम्बुलेंस से भी हम लोगों को ये कह दिया गया है कि VIP ड्यूटी में सारी एम्बुलेंस लगी हुई है। और अभी हम लोग 20 मिनट पहले, ये देखिए 112 जो है ये तो तुरंत आ गई थी, जैसे ही कॉल किया 5 मिनट के अंदर पहुंच गई थी। लेकिन इसको हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगातार पैर हड्डी टूट गई है और लगातार इनका ब्लीडिंग हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वप्न भारत समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।